परिसर में, और यहाँ पर मंदिर परिसर के जो न्यास के अध्यक्ष हैं, जो प्रबंध समिति के सदस्य हैं, वो यहाँ पर उनकी अगवानी करने के लिए खड़े हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का कारवा पहुँच चुका है ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में। इस पूरे क्षेत्र को ज्ञानवापी कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो तीन धाराएं थी, मोक्ष की, ज्ञान की और मुक्ति की, उनका यहाँ पर सम्मेलन हुआ था काशी में। और ये ज्ञानवापी का क्षेत्र है जहाँ पर ये त्रिशूल बनता है, मैदागिन, गोदौलिया और यहाँ पर ज्ञानवापी के क्षेत्र का। और ये माना जाता है कि भगवान शिव की ये नगरी काशी अपने आप में खुद भगवान के शिव पर, त्रिशूल पर स्थित है, और किसी तरह के प्रलय होने की घटना के बाद भी ये जीवित रहेगी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में, और मंदिर प्रबंध समिति के, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास समिति के सदस्य उनका औपचारिक स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री को अंगवस्त्र भेंट करके। और साथ ही साथ जो यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, प्रबंध समिति के सदस्य हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, वो सब मौजूद हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी। तो साफ तरीके से आप ये देखें कि प्रधानमंत्री ने कल माँ के आशीर्वाद लिए, माँ भी ईश्वर स्वरूप, माता पिता माने जाते हैं, और अब भगवान शिव के, विश्वनाथ की नगरी में पहुँचे हैं, शिव के शरण और चरण में हैं, भगवान शिव के शरण और चरण में हैं। 21वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुँचे हैं, और काशी विश्वनाथ मंदिर में इससे पहले उन्होंने 8 मार्च को इस क्षेत्र के पूरे सौंदर्यीकरण की परियोजना का भी उद्घाटन किया था। यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं, और धीरे धीरे वो जो जनता जनार्दन के दर्शन का जो मार्ग है, उससे होते हुए मंदिर की तरफ अब प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये प्रधानमंत्री के लिए भी बेहद विलक्षण क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब नामांकन भरा था तो प्रधानमंत्री पहुँचे थे, और उन्होंने काशी के कोतवाल का दर्शन किया था, कालभैरव का दर्शन किया था, और अब वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में पहुँचे हैं, जहाँ पर वो भगवान विश्वनाथ के चरण और शरण में आज वंदना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इससे पहले उन्होंने अभिनंदन स्वीकार किया, जनता का अभिवादन स्वीकार किया, जनता का आशीर्वाद स्वीकार किया, और अब वो भगवान विश्वनाथ के चरण और शरण में पहुँचे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय में इस अपने संसदीय क्षेत्र और साथ ही साथ समूचे भारतवर्ष का विशेष स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल भी मौजूद हैं, अनेक गणमान्य लोग मौजूद हैं। और इस मंदिर की अगर बात करें तो बेहद विलक्षण है ये मंदिर। ये मंदिर आदिकाल से यहाँ पर माना जाता है स्थापित है, लेकिन इस मंदिर का पुनरुद्धार जो है 1773 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, और इस मंदिर में परिसर में इस समय प्रधानमंत्री प्रवेश किए हैं। मंदिर तीन भागों में विभक्त है, जो इसका मंडप है, इसका जो गर्भगृह है, और इसका जो मुख्य गर्भगृह के पीछे जो प्रदक्षिणा मार्ग है, इस समय प्रधानमंत्री वहां पर है, और इसके बाद वो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे। और ये मंदिर जो है विलक्षण है वास्तुकला के हिसाब से, क्योंकि इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण की तरफ है, और उत्तर की तरफ व्यक्ति प्रवेश करता है। ये माना जाता है कि भगवान यहाँ पर अघोरेश्वर रूप में हैं, और सभी कष्टों का, दुखों का, पापों का नाश हो जाता है। और यहाँ पर इस शिवलिंग की जो स्थापना की गई है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, वो ईशान कोण में स्थापित है, और ये भी माना जाता है कि ईशान जो खुद भगवान शंकर का नाम है, उस रूप में यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है, अघोरेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से ये प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से माना जाता है। और इस समय प्रधानमंत्री पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं, और उनका अभिषेक किया जा रहा है। पूजा अर्चना के पहले जिस तरीके से किन मंत्रों का मंत्रोच्चारण होता है, किन श्लोकों का और किन संकल्पों का उद्धरण होता है, हमारे साथ पौराणिक जी हैं, वो बताएंगे इस समय जो प्रक्रिया चल रही है। नमस्कार, मैं पांडुरंग पौराणिक, धन्यवाद अश्विनी जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय गर्भगृह में उपस्थित हैं। भगवान काशी विश्वनाथ के जो उनका विग्रह है, जो शिवलिंग है, उसके ठीक सामने वो विराजित हैं, और जो मंदिर न्यास के आचार्य हैं, अध्यक्ष हैं, आचार्य द्विवेदी जी, अशोक द्विवेदी जी, वे उन्हें आचमन करा रहे हैं। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा,
गोविंदाय नमः। इसके बाद वो संकल्प करेंगे और संकल्प में इसी कामना का उच्चारण किया जाएगा, इसी कामना के लिए पूजन करने हेतु यहाँ संकल्प लिया जाएगा कि पूरे देश का सतत विकास हो, सारे देशवासी जितने हैं वो सुख और समृद्ध रहें और सुखी रहें और पूरा देश जो है वो विकास की ओर सतत अग्रसर हो, सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहें। हमारी संस्कृति ऐसी है जो कि सर्वकल्याण की बात करती है, हमारी संस्कृति ऐसी है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का उद्घोष करती है। हमारी संस्कृति ऐसी है जो कि विश्व कल्याण की बात करती है और इस समय प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं और प्रधानमंत्री संकल्प से सिद्धि के प्रमाण भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2019 के बीच में जो संकल्प लिए उसकी पुनर्स्थापना और प्रतिष्ठा की गई और उसको उसके मंजिल तक पहुंचाया गया, उसका ध्येय तक पहुंचाया गया और संकल्प से सिद्ध के प्रमाण के रूप में प्रधानमंत्री हैं और एक नया संकल्प उन्होंने 2019 के इस चुनाव के बाद लिया है कि नए भारत के गठन के साथ ही साथ जगत गुरु भारत की संकल्पना। इस समय प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं और ये ध्यान और संकल्प की जो स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं वो प्रतिष्ठापना होती है जब हम देश को विश्व पटल पर जगत गुरु भारत के रूप में लेके चलते हैं, मान के चलते हैं और उसकी स्थापना की बात करते हैं। विग्रह रूप में ये शिवलिंग यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। अनेक श्लोकों का यहाँ पर शिवस्तक स्त्रोत्र जो होता है रूप में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रेमंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। और यहाँ पर इस मंदिर की जो विशिष्ट स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर शिव के साथ शक्ति भी विद्यमान है और शक्ति यहाँ पर दाएं भाग में विद्यमान है और ये विलक्षण स्थिति है। और ऐसे मंदिर का जो वास्तु है, जो मंदिर का विन्यास है, जो मंदिर की स्थापना है, जो मंदिर की वास्तुकला की संरचना है वो भी अपने आप में विलक्षण है। अनेक द्वार है यहाँ पर, मोक्ष का द्वार माना जाता है, मुक्ति का द्वार माना जाता है, तंत्र का द्वार माना जाता है और विलक्षण स्थितियाँ मानी जाती है इस मंदिर की। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं और ये संकल्प एक समुन्नत भारत की, एक भारत की, श्रेष्ठ भारत की, सबल भारत की, स्वस्थ भारत की, स्वच्छ भारत की, समुन्नत भारत की और अंततः जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर एक बार फिर भगवान विश्वनाथ के चरण शरण में हैं और अपनी उस प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहे हैं, अपने उस संकल्प को और दृढ़ कर रहे हैं। वेद मंत्रों के साथ साथ पुराणोक्त मंत्रों से भी, पुराणोक्त मंत्रों से भी यहाँ पूजन किया जाता है। शिव के ध्यान का श्लोक है, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशमृगवरा भीतिहस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिलभयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम मतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्रीविश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आज यहाँ षोडशोपचार विधि से भगवान विश्वनाथ की पूजा की जाएगी, उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा और कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से जो पंचामृत और गंगाजल से शिव की उपासना की जाती है, आराधना की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है, वो अभिषेक शिव के प्रसन्नता के लिए किया जाता है और उससे माना जाता है कि जो उनकी कृपा प्राप्त होगी उससे केवल माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं, हम काशीवासी ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का, और हमारी तो ये कामना है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरे विश्व का कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो, हम सतत विकसित। और इस समय अभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रुद्र का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में का ये विशिष्ट जो ज्योतिर्लिंग है ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्व प्रमुख माना जाता है और यहाँ पर अनेक तरीके से षोडशोपचार विधि द्वारा अभिषेक करने की और पूजन अर्चन करने की परंपरा है। बेलपत्र जो है सर्वाधिक प्रिय माना जाता है भगवान शिव शंकर को और हमारी संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, हमारी संस्कृति सत्य को शिव बताती है और शिव को सुंदर कहती है और सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष होता है। दुग्धाभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय और जो अन्य पूजन अर्चन की विधियां हैं षोडशोपचार विधि से प्रधानमंत्री इस समय विधिवत अभिषेक कर रहे हैं।
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सर्व प्रमुख काशी विश्वनाथ के इस ज्योतिर्लिंग का। पंचामृत भी इसमें शामिल होता है गंगा जल के साथ साथ। पयोदधिघृतं चैव शर्करा मधु संयुतम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। भगवान विश्वनाथ को गाय का दूध, गाय के दूध से निर्मित दही और उसी से गाय के दूध से ही निर्मित घृत, शर्करा और मधु, इससे मिलाकर पंचामृत का निर्माण होता है और उस पंचामृत के माध्यम से भगवान शिव को अर्पण किया जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं मधु 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 आता ऋतायते मधुक्षरंत सिंधवः माधवीर्न संतोषधीः मधु नक्तम उतोषसो मधुमत् पार्थिवग्नो रजः मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पतिर् मधुमाम अस्तु सूर्यः माधवीर गावो भवन्तु नः। मधु और उसके बाद शर्करा से भगवान का लेपन किया जा रहा है, भगवान को अर्पण किया जा रहा है और उसके माध्यम से यही कामना की जा रही है कि जो इस बार हमारे माननीय सांसद वाराणसी के प्रधानमंत्री दूसरी बार बनने वाले हैं वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, भगवान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं और सबके लिए कल्याण की कामना कर रहे हैं। सर्व कल्याण की कामना, सर्व कल्याण की भावना और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि मम भाव और समभाव, उस संकल्प की भी एक बार प्रतिस्थापना और समभाव और मम भाव से समुन्नत भारत के निर्माण की कामना, श्रेष्ठ भारत के निर्माण की कामना, एक भारत के निर्माण की कामना, अखंड भारत को और भी विश्व पटल पर जगत गुरु भारत के रूप में स्थापित करने की कामना, और ये कामना देश के 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से, देश के काशी के कण कण में विद्यमान शिव के रूप में, काशी के क्षण क्षण में विद्यमान शिव के रूप में और काशी में विग्रह के रूप में विद्यमान भगवान शिव के रूप में पूजा अर्चना की जा रही है। और इस समय जो अनेक विधियाँ हैं कर्मकांड की, अनेक जो वैदिक मंत्र हैं उनका उच्चारण हो रहा है और विधिवत इस समय प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में। वस्त्र और यज्ञोपवीत, इसके बाद उपवस्त्र उन्हें अर्पित किया जा रहा है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। चंदन अर्पित किया जा रहा है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् गंधद्वारान् दुरादर्शान् ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपभयेश्रियम। चंदन अर्पित किया जा रहा है भगवान शिव के। उनको कहा जाता है कि शिव को त्रिपुंड बड़ा प्रिय होता है। शिव को त्रिपुंड अर्पित करने के बाद अब भस्म प्रसद्य भस्मनायोनिम पश्य पृथ्वी मगने सद्गो सर्ज मातृभिष्टवन ज्योतिष्मान पुनरा सदा। प्रधानमंत्री यहाँ पूजन करते हुए सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं। आज यहाँ पर अक्षत यहाँ अर्पित की जा रही है, आप देख रहे होंगे। और इसके अलावा जो षोडशोपचार में विधि होती है उसके अलावा राजोपचार भी होता है। राजोपचार के माध्यम से भी भगवान की पूजा की जाती है। पुष्पमाला अर्पित की जाएगी, बिल्व पत्र अर्पित किया जाएगा, रुद्राक्ष की माला अर्पित की जाएगी। और अगर हम बिल्वपत्र की बात करें तो त्रिदल का बहुत महत्व है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रंच त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। कमल पुष्प की माला प्रभु को अर्पित की जा रही है और कहा जाता है कि कमल पुष्प जीवन में शुभता और दिव्यता लाता है। जी, और निश्चित तौर से इस समय प्रधानमंत्री कमल पुष्प से पूजन अर्चन कर रहे हैं और ये दिव्यता लाने का प्रमाण है। और साथ ही साथ जो पूजन की विधियाँ हैं उनमें शंकर जी का, जब शिव जी का पूजन किया जाता है और श्वेत कमल से अगर इनका पूजन किया जाता है तो सर्व कल्याण की कामना से किया जाता है। और सर्व कल्याण के साथ ही साथ ये ऐसा जो बिल्व पत्र होते हैं, जो अन्य चीज़ें होती हैं, उनके साथ ही साथ अगर कमल का से पूजा की जाती है तो ये बेहद विलक्षण माना जाता है और ये सुख शांति और समृद्धि के लिए माना जाता है और ये कल्याण के लिए माना जाता है। अश्विनी जी, श्वेत कमल से यदि ईश्वर का पूजन किया जाता है तो माना जाता है कि नवग्रह जो होते हैं वो भी अनुकूल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और उनकी कृपा सारे लोगों को प्राप्त होती है। तो आज 501 कमल पुष्पों की बड़ी भव्य माला से भगवान काशी विश्वनाथ का यहाँ पूजन किया गया है। 111 बिल्वपत्र उन्हें अर्पित किए गए हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालो ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्य
वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यान्तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालयेतु केदारं कृष्णेशंतु शिवाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः। कहा गया है कि भगवान काशी विश्वनाथ जो आद्य हैं ज्योतिर्लिंगों में, उनका नाम स्मरण करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और निश्चित तौर से ये मोक्ष की धरती मानी जाती है, ये मुक्ति की धरती मानी जाती है और वो मुक्त क्षेत्र माना जाता है। और ये ज्ञानवापी क्षेत्र है काशी का, विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर भक्ति, मुक्ति और मोक्ष की जो तीन धाराएं थी उनमें ये ज्ञान की धारा का यहाँ पर उद्गम हुआ था। और यहाँ पर एक कुआं भी है जो कि माना जाता है कि आदिकाल से विद्यमान है और वो ज्ञान का एक, ज्ञान के स्रोत के रूप में माना जाता है। ज्ञानवापी कूप उसे कहा जाता है। जी, ज्ञानवापी कूप उसे कहा जाता है। और ये ज्ञानवापी पूरा का पूरा क्षेत्र जो है एक त्रिशूल के रूप में माना जाता है। स्वयं काशी शिव के त्रिशूल पर अवस्थित है और मैदागिन गुदौलिया और ये ज्ञानवापी एक त्रिशूल की अवसंरचना बनाते हैं। भगवान इस समय भोग अर्पित किया जा रहा है, आम्रफल है, मिष्ठान्न है और नैवेद्य अर्पित करते समय ये कामना की जाती है कि भगवान भोग ग्रहण करें और उनका प्रसाद सारे भक्तों तक पहुँचे। प्रसाद के माध्यम से जो उनका जीवन है वो सफल हो, सारे कष्ट दूर हों। सत्यंत वर्ते न प्रशिंचामी धेन मुद्रां प्रदर्शो प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि। इस प्रकार भगवान से ये कामना की जा रही है कि आप हम सब का कल्याण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ये जरूर प्रार्थना कर रहे होंगे कि जो जिम्मेदारी इस बार हमें मिली है उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी वो बहुत अच्छे से कर सकें। और वो संकल्प बढ़ता है और संकल्प से सिद्धि के प्रमाण है। प्रधानमंत्री इस समय आरती कर रहे हैं, पूजन अर्चन के बाद आरती की हमारी परंपरा है और विशिष्ट रूप से अनेक षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन इस समय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इस मंदिर की विशिष्टता जो है वो ये है कि ये मंदिर अनेकानेक संप्रदायों का, केवल सनातन धर्म के संप्रदाय के लोगों के ही आस्था का केंद्र नहीं रहा बल्कि सनातन संस्कृति के जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो शिव संप्रदाय हो, चाहे शाक्त संप्रदाय हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे अन्य संप्रदाय हो, सबके श्रद्धा एवं आपसी मिलन का केंद्र बिंदु रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं। आज वो काशी में नामांकन करने के बाद जब उन्होंने गंगा आरती में उन्होंने वो शामिल हुए थे, नामांकन के वक्त के बाद जब उन्होंने काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन किया था, तो उसके बाद एक भी जनता की रैली को यहाँ पर उन्होंने नहीं संबोधित किया और उन्हें अगाध विश्वास था कि यहाँ की जनता उन्हें सराखों पर बैठाएगी और खुद स्थापित वो पूरे देश को, राष्ट्र को एक जगत गुरु के रूप में करने के लिए उन्हें दोबारा वो मिलेगी, मौका मिलेगा। इस समय संकल्प कर रहे हैं प्रधानमंत्री और साथ ही साथ इस समय की पूजन अर्चन की विधि के बारे में पौराणिक बताएंगे। इस समय मंत्र पुष्पांजलि हो रही है और पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालोद्भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर यज्ञेन यज्ञमयजन तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान रुद्र को ये पुष्पांजलि अर्पित की गई, कामना की गई, सबके कल्याण की कामना, पूरे विश्व के कल्याण की कामना। और हमारी संस्कृति ही ऐसी है जो कि ये कहती है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम का उद्घोष हमारी संस्कृति करती है। सर्व कल्याण की संगत छद्भम संवद्वद्भम की संस्कृति है हमारी। हमारी संस्कृति ऐसी है जो सबके कल्याण की बात करती है, सबके माँ कश्चित दुख भाग भवेत की बात करती है। जो त्रिविध दुख होते हैं, चाहे वो आदिदैविक हों, चाहे आध्यात्मिक हों, चाहे भौतिक हों, उनके निवारण की बात करती है। और जो हमारी संस्कृति जो है वो पूरे विश्व में अपने को श्रेष्ठ नहीं समूचे विश्व को साथ लेकर चलने की बात करती है। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली में दिखती है जब वो समग्र विकास की बात करते हैं। और इस समय प्रधानमंत्री को पूजन अर्चन के बाद पुरोहित
बाकायदा उनको मस्तकाभिषेक कर रहे हैं। हाँ, उनको प्रसाद दे रहे हैं, जो पूजन उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की है, प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निशी पापम विनश्यति आजन्म कृतमा ध्यान्ने सायान्ने सप्तजन्मनि मेरो कांचन दत्तानां गवां कोटिशतैरपि पंचकोटितुरंगानां तत्फलम शिवदर्शनम तत्फलम शिवदर्शनम तत्फलम शिवदर्शनम। और ये भगवान को समर्पित जो रुद्राक्ष की माला थी वो उन्हें प्रसाद स्वरूप भेंट की जा रही है। मंदिर के जो न्यास के अध्यक्ष हैं द्विवेदी जी, आचार्य द्विवेदी, वो उन्हें अंगवस्त्र समर्पित कर रहे हैं। और भगवान का प्रसाद धारण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जिन्होंने यहाँ पर षोडशोपचार विधि द्वारा विधिवत पूजन अर्चन किया और भगवान विश्वनाथ के शरण में आज पहुँचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प की सिद्धि के एक पड़ाव के रूप में है, जब वो काशी को क्योटो बनाने की बात करते हैं और देश को जगतगुरु बनाने की बात करते हैं। इस समय प्रधानमंत्री दान कर रहे हैं, पूजन अर्चन के बाद दान की जो परंपरा है हमारी, और दान की परंपरा हमारी पूरे इस सनातन संस्कृति को और महान बनाती है। इस समय पूजन अर्चन के बाद प्रदक्षिणा की जाती है, पूरे मंदिर के पथों को घूमा जाता है और मंदिर के प्रदक्षिणा मार्ग पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे चल रहे हैं। और साथ ही साथ गर्भगृह में जो विधिवत पूजा अर्चना हुई है, और इसके बाद प्रधानमंत्री इस मंदिर से चलने के बाद जो आज का प्रधानमंत्री का अन्य कार्यक्रम है वो बड़े गुलालपुर पहुँचेंगे, जहाँ पर वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री मंदिर के अन्य लोगों से भी मुखातिब हैं, जो पुजारी एवं अन्य व्यक्ति हैं, प्रबंधकीय समिति के लोग हैं वहाँ पर मौजूद, जो अन्य पुजारी हैं, अन्य लोग हैं, ये जो पौराणिक जी बताएंगे जी, कि इस समय प्रधानमंत्री किन से मुलाकात। इस समय मंदिर गर्भगृह में 5 वैदिक विद्वान रुद्राभिषेक करा रहे थे और यहाँ ये 11 वैदिक विराजमान हैं जिन्होंने लघु रुद्राभिषेक किया है। रुद्र का पाठ 11 बार 11 वैदिक करते हैं तो उसको कहा जाता है लघु रुद्र, और लघु रुद्र इसीलिए किया जाता है कि उसके माध्यम से शिव के स्वरूप की विस्तार से पूजन अर्चन किया जाए और उसके बाद प्रार्थना की जाए, विश्व के कल्याण की कामना की जाए। तो इस पूजन के बाद उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे वैदिक विद्वानों को दक्षिणा अर्पित की, यद दत्तं यत् परादानं यत् पूर्तं याश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणस्वर देवेशुनु दधत। और कहा जाता है कि बिना दक्षिणा दान के कार्य पूरा नहीं होता।
भगवान काशी विश्वनाथ के रुद्राभिषेक के बाद, लघु रुद्राभिषेक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे मंदिर परिसर से जो जिस मार्ग से वो उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया था उसी मार्ग से होते होते धीरे धीरे वो बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, सारे लोग अपने प्रिय सांसद को, अपने प्रिय नेता को यहाँ देखना चाहते हैं। उनके साथ भाजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने भी सारे यहाँ भक्तगण उपस्थित हैं, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब यही इसी कामना से यहाँ पर उपस्थित हैं कि उनके माध्यम से भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा समर्पित हो। और धीरे धीरे वो वहाँ जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी हुई है वो धीरे धीरे बाहर अपने स्थान पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से उन्हें आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय संकुल प्रस्थान करना है, जहां वो कार्यकर्ताओं के अभिनंदन समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से बाहर की ओर प्रस्थान करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विधिवत काशी विश्वनाथ मंदिर से पूजन अर्चन करने के बाद अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री बड़े गुलालपुर पहुँचेंगे, जहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय हस्त संकुल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, बूथ कार्यकर्ताओं से और अनेक पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे, उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। और साथ ही साथ जो कि विशिष्ट जनादेश मिला है, जो प्रचंड जनादेश मिला है, जो प्रचंड जनादेश पूरे देश में मिला है और जिस तरीके